आईपीएल के 10वें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डायमल मिल्स 12 करोड़ की रकम में बिके। किसी को भी मिल्स के इतनी ज्यादा रकम में बिकने की उम्मीद नहीं थी, मगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मिल्स पर बड़ा दांव लगाया है। जानिए वो 5 बड़े रीजन जिसकी वजह से मिल्स इतने महंगे बिके पूरे सीजन के लिए उपलब्ध। जहां एक तरफ इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी आईपीएल के सभी मैच नहीं खेल पाएंगे, वहीं मिल्स पूरा आईपीएल खेल सकते हैं। चूंकि मिल्स सिर्फ टी20 क्रिकेट ही खेलते हैं, इस वजह से उन्हें देश के लिए किसी और दौरे के लिए टूर्नामेंट बीच में नहीं छोड़ना होगा। मिचेल स्टार्क ने छोड़ा साथ। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मिचेल स्टार्क ने उसका साथ नीलामी से ठीक पहले छोड़ दिया। ऐसे में स्टार्क के साथी की तलाश कर रही बेंगलुरु की टीम को स्टार्क का ही विकल्प तलाशना पड़ गया। मिल्स बतौर टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी अच्छा विकल्प बन सकते हैं। बाएं हाथ की धार और रफ्तार। मिल्स बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उन्हें स्टार्क की तरह विस्फोटक बनाती है। घरेलू क्रिकेट में दमदार खेल दिखा चुके मिल्स के लिए आईपीएल बहुत बड़ा मंच साबित हो सकता है, जहां से वो कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। गजब के आंकड़े। डायमल मिल्स के आंकड़े कमाल के हैं। टी20 के विशेषज्ञ माने जाने वाले मिल्स का स्ट्राइक रेट 17.7 का है, यानी कि वो 18 गेंदों में एक विकेट लेते हैं। इसके अलावा वो रन देने के मामले में भी काफी कंजूस हैं। अंतिम ओवरों में उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 7.28 का है। जेब में पैसे। स्टार्क का साथ छूट जाने से बेंगलुरु के पर्स में 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त आ गए, जिसकी वजह से वो खुलकर पैसा लगा पाए। जॉर्डन को रिलीज करने के बाद बेंगलुरु के लिए एक बेहतरीन विदेशी तेज गेंदबाज की जरूरत थी। ऐसे में मिल्स से बेहतर विकल्प कोई और हो नहीं सकता था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।